आज सभी प्रत्याशियों का भाग का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। बता दें कि सीवान जिला में 77 वार्ड हैं और 224 बूथ बनाए गए हैं, वहीं 185,000 के लगभग जनता वोट कर रही है। तो बात करें सीवान शहर के महादेवा की, रजिस्ट्री कचहरी की, सब्जी मंडी की, तमाम एरिया में सुबह से ही वोटिंग की लाइन लगी हुई है। लगातार लोग विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं कि अच्छा और स्वच्छ उम्मीदवार आएगा तो सीवान का विकास होगा। तो देख सकते हैं कि लगातार जो भी प्रत्याशी हैं वो सब बूथ पर लेकर जायजा ले रहे हैं, लोगों से समझ बूझ रहे हैं। लगातार हर प्रत्याशी लगातार घूम रहे हैं और सीवान शहर का जो आज वोटिंग है 30 दिसंबर को उसकी गिनती होगी और सभी का भाग का फैसला जीन बाबा मतलब ईवीएम से खुल जाएगा। तो देख सकते हैं कि लगातार जनता क्या खुलकर बोल रही है, सुनिए और देखिए। नाश्ता कर आए हैं और सबसे पहले मतदान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का वोट देने का पहली बार मौका मिला है, इसलिए अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष और हम अपने वार्ड पार्षद जो भी हो उनको वोट देंगे। स्वच्छ और सुंदर विकास के लिए वोट दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व है और बहुत ही अच्छा ये पर्व मन रहा है। हर एक घर के लोग सिवान नगर के दम इतने जागरूक है जनता कि हर एक घर के लोग सिवान को परिवर्तन लाने के लिए, सिवान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, मान सम्मान की लड़ाई के लिए लोग घर से निकल रहे हैं लोग और भारी मतों से वोट लो दे रहे हैं लोग। इसको बोलते हैं जागरूकता। सिवान शहर के एक एक जनता जागरूक है और सिवान की जनता जग चुकी है क्योंकि वो अपने वोट से चेयरमैन को चुनना है। पहले वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन चुनते थे लोग, अब सिवान को अपना चेयरमैन मिलेगा, अपने पसंद का चेयरमैन मिलेगा और वो चेयरमैन डायरेक्ट जनता से कनेक्ट रहेगा, जनता से बात करेगा और जनता से साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास का काम करेगा। क्या लग रहा है प्रशासन ने जिस तरह से व्यवस्था की है, क्या लग रहा है शांतिपूर्ण मतदान? प्रशासन का व्यवस्था बहुत अच्छा है। कहीं कहीं ईवीएम मशीन में थोड़ा गड़बड़ी मिल रही थी जो दबने के बाद भी बहुत नहीं दबता था, बहुत जोर से दबाने के बाद भी दबता था। हम लोग प्रशासन को बोले हैं और प्रशासन से निवेदन है कि जहाँ जहाँ ईवीएम मशीन में जो ज़्यादा दाबने के बाद ही बचता है उसको ठीक किया जाए। ऐसे 10-15 ईवीएम मशीन है जहाँ पे शिकायत मिली है। हम लोग ये सोच के वोटिंग किए हैं कि हमारा सिवान शहर सुंदर हो, विकसित हो और स्वच्छता में एक नंबर स्थान लाए, यही हम लोग की सोच है। और हम लोग उम्मीदवार का जो चयन कर रहे हैं वो ये सोच के कर रहे हैं कि उनके द्वारा विकास जारी रहे, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। कहाँ वोटिंग? विकास के नाम पे सब कोई वोटिंग करेंगे लोग, युवा हम लोग हैं और विकास के नाम पे हम लोग पहली बार ये चूज करेंगे लोग। पहली बार हम ये सोच रहे हैं कि सिवान जिले का पूरी अच्छी तरह ईमानदारी से विकास हो, सभी लोग खुश रहें। सबसे पहले प्राथमिकता है नाला सफाई, ये हमारी प्राथमिकताएँ हैं और इस संदर्भ में हम लोग वार्ड नंबर 30 के जो भी हैं वोटर्स, हम लोग बड़े स्वच्छ और ईमानदार लोगों को चुनेंगे, ये हम लोग का एक मत है। हम लोग निष्पक्ष चुनाव के चक्कर में हैं कि निष्पक्ष हो और हम लोग पहली बार उप पार्षद और उप अध्यक्ष और अध्यक्ष तीनों एक साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग इस विकास में हैं कि विकास हो, निष्पक्ष चुनाव हो, पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार हो। भाई नगर पालिका में स्वच्छ तरीके से सब लोग आएँ, ईमानदारी से काम करें और हमारे सिवान का विकास करें, विकास का काम करें, सफाई पर और सब चीज़ों पर ध्यान दें।